मतलब आज जो है अपनी फैक्ट्री का खुद स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिए ये स्टैंडर्ड मिल्क यहाँ पे स्टैंडर्ड है। एक घंटे में 30,000 लीटर दूध दिन के यहाँ पे 2.5 से 3 लाख लीटर दूध बनता है जी वेरका में। किसी पे लिए स्टॉप इट। तो सर हाँ जी ये जा कहाँ आ रहा है ये? मैं तो इसको घंटी लेके जा रहा हूँ। मान हो रहा बाहर 30 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा? बिलो 5 डिग्री। और कोई बात तो नहीं यहाँ पे करनी? बस बाहर चलो बहुत ठंडा है। अमृतसर में क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। आज जसी भाजी के लाके वेरका में आया। भाई दूध इंडिया में ना हर बच्चा बच्चा दूध पीता है। आज आपको हम लोग दिखाने हैं जी दूध फैक्ट्रियों में बनता कैसे है। पैकेज वाले दूध तो सब ले लेते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठंडा ठंडा गरम गरम पोल खोलेंगे सब चीज़ों की। आपने वीडियो लाइक कर देने और कमेंट करके बताने जी। दूध तो बथेरे टाइप के मिलते हैं। आपका फेवरेट दूध का फ्लेवर कौन सा है? आपका कौन सा? मेरा इलायची। इलायची मेरा भी। वे तू लॉन्ग वे मैं इलायची। गंदे जोक्स के लिए करो वेजी बाजी को सब्सक्राइब। आ जाओ ड्रिंक मोर मिल्क। अमृतसर सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है। कॉमेंट्स में बताना अमृतसर सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट हो रही है अलवर सीरीज। ये आ गया बड़ा टैंकर जिसके अंदर दूध है 15,000 लीटर दूध। मेरे को लग रहा है इस टेम्पो की ना जो सेहत है ना दूध पी पी के ही बनी है। ये टैंकर आता है। हाँ जी सबसे पहले वेवरेज है। अच्छा इसका हमने कंडा किया सैंपल किया। सबसे पहले कंडा किया कि टोटल इसका ग्रॉस वेट कितना है। अच्छा देन सैंपल होगा। सैंपल होने के बाद खाली होगा। खाली होने के बाद इसका टीयर वेट होगा। ओके दूध का नेट वेट पता चल जाएगा। समझ गया। सिंपल A-B। A-B ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। ठीक है फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। सबसे पहले टैंकर आएगा क्वालिटी कंट्रोल से पास होगा। क्वालिटी कंट्रोल से पास होकर जब तक उन्होंने कंप्यूटर पे इसको ओके नहीं करना है ओके नहीं तब तक यहाँ का पंप नहीं चलेगा। टैंकर आएगा टैंकर यहाँ पे हम इस पर लगा देंगे। ठीक है केवल एक पाइप लगानी है। एक पाइप लगानी है उसके बाद उस प्लांट में आपको कहीं दूध दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है ओपन में कहीं दूध नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है वो क्वालिटी कंट्रोल ने ओके करना है फिर यहाँ पे पंप चलेगा। ठीक है जब तक क्वालिटी कंट्रोल ने ओके नहीं करना है तब तक ये पंप नहीं चल सकता। ठीक है उसके बाद ये सारी लाइन से इन्हीं लाइनों से सारा दूध अंदर बाहर होगा। अच्छा ओपन में कहीं दूध नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है आइए आपको प्लांट लेके चलते हैं। मतलब अगर आपको ना पता हो ये वेरका की फैक्ट्री है तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे दूध है। मेरा नाम सुंदर प्रसाद है। हमारे लगभग आज की डेट में 16 टैंकर आ रहे हैं। गेट पे हम उसकी सैंपल ड्रॉ करते हैं। 5,000 लीटर दूध है किसी में 10,000 लीटर दूध है। हाँ। उसकी प्रॉपर प्लेजरिंग करके सैंपल ड्रॉ करते हैं। जैसे एक टैंकर का हम सैंपल ड्रॉ कर लिए। अच्छा ये BMC पट्टी 1 है। अच्छा 17-30 टैंकर है तो उसके बाद सैंपल को लाते हैं उसके बाद एसिडिटी चेक किए फिर हम MBR डालते हैं। MBR रॉ मिल्क का हमारा 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में तो टेस्ट है वो एक्चुअली जो दूध में बैक्टीरियल लोड दिखाता है उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं 40 डिग्री पे। ये एक ही सैंपल के साथ इतनी सारी चीजें हो जा रही है। हाँ, अल्कोहल टेस्ट करेंगे। अच्छा इसके बाद इसकी हीट एसिडिटी चेक करते हैं। अच्छा अलग से और जब सैंपल सब में पास होगा तभी वो आगे अप्रूव होगा। हाँ फिर अप्रूव होगा। अब वो जो मशीन है लगभग 90 लाख की मशीन टोटल दूध की स्कैनिंग कर देगा। कहीं वो चेक कर लिया था साइड में हीरे मोती तो नहीं लगे थे? नहीं, हीरे मोती है। अच्छा ये हीरे मोती है इसके मेन जो सैंपलिंग का निचोड़ है। हाँ, इसमें लगभग 13 तरह के एडल्ट्रेशन का रिपोर्ट दे देती है। इतने टेस्ट होने के बाद टेस्ट। हाँ, अच्छा जैसे बेसिक है बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। वो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो जाए उतनी ज्यादा और श्योरिटी हो जाती है कि एडल्ट्रेशन का चांस कम हो जाता है। 8 BMC का कलेक्शन है। ओके तो इंडिविजुअल BMC का जो दूध है उसके भी सैंपल आते हैं। वो वहाँ पे टेस्ट होता है। पुरानी डेयरी के लेवल चेक होता है इंडिविजुअल। और ये पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है ये सारा क्वालिटी कंट्रोल करने में? आधा से पौने घंटे। जो दूध वेस्ट भी ना हो एडल्ट्रेशन भी ना हो दोनों चीजें चेक करनी है। ये निचोड़ निकला है क्वालिटी कंट्रोल। प्रोटीन लैक्टोज लैक्टिक एसिड अमोनियम सल्फेट उसके बाद माल्टोज साल्ट सोडियम सिट्रेट सोडियम कार्बोनेट स्टार्च यूरिया ग्लूकोज सॉर्बिटो पूरा पोस्टमार्टम होगा। पूरा कंप्लीट होगा। टेस्टिंग आ गई 4.67 फैट है SNF 8.35 आगे आगे सारा डिटेल है। सारे डिटेल। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं जो नया प्लांट लगा फुल्ली ऑटोमेटिक 2.5 लाख लीटर कैपेसिटी का पर डे। 2.5 लाख लीटर पर डे। अच्छा इसको हम बढ़ा के 5 लाख लीटर तक कर सकते हैं। वो प्रोविजन हमने रखी है इन फ्यूचर ग्रोथ एक्सटेंड कर सकते हैं ये हमारे साइलोज है जिसमें हम दूध रखते हैं। पाइप से निकल के इधर आता है। हाँ ये पाइप से निकल के सबसे पहले इसमें आता है। इसमें आता है ये 3 रॉ मिल्क के साइलो है हमारे। ओके 60,000 लीटर के जो अपना टोंड फुल क्रीम वो सब वो आगे वो आगे यहाँ पे केवल रॉ मिल्क ये सर केवल रॉ मिल्क। अब मेरे सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन मैं आज पूछ ही लूंगा। पूछ लीजिए पता नहीं दोबारा कब मौका मिले ऐसे। दिल की सारी भड़ास निकाल लीजिए।
आपका ना स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपका मेरे जैसा स्वभाव लगा आपका। ये हमारे हैं, ये प्रोसेस्ड मिल्क टैंकर है। अच्छा, ये प्रोसेस्ड है। अब जो हम वेरिएंट बनाते हैं, जैसे आपने पूछा टोंड मिल्क हो गया, डबल टोंड मिल्क हो गया, स्टैंडर्ड मिल्क हो गया, एफसीएम मिल्क हो गया, वो हम यहाँ पे लगाते हैं, फुल क्रीम वगैरह। अच्छा। यहाँ पे अलग अलग टैंकों में हम क्वालिटी कंट्रोल से पास कराते हैं, ठीक है, उसका एमबीआर लगाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी उसका टेस्ट कराते हैं, देन उसकी फिलिंग चालू करते हैं, ठीक है, ठीक। अभी ये बाहर से आपको इतने बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा मेरे को, वो और वो सेम पड़ रहा है, आप ना बताते मेरे को नहीं पता चला। वो 60,000 का है, एक ये 60,000 का है, ये चार सेम है, ये 1,00,000 लीटर का है, ये 40,000 के। आइए सर, कोई भी आएगा पहले हैंड वॉश करेगा, जिसके पास मास्क नहीं है, मास्क कैप। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सीरियस काम हो रहा है, हंसी मजाक थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मिश्रा जी ने बोल दिया फुल हंसी मजाक करना, काम जितना ही लाइट मोड में हो उतना ही अच्छा होता है। ये बात आपने सही बोली है ना, मैं हमेशा से इसी विचार के धारा में रहता हूँ। ये जो गेट पे एसी लगा रखा है, ये किस काम का है? कौन सा? ये वाला जो एसी लगा रखा है, ये एसी नहीं है। अच्छा, इसका कुछ काम है? जो आपके डस्ट पार्टिकल लगे हैं बॉडी पे, हाँ, कपड़े पे, उसको सक करना है, करके फिल्टर होके फिर वो आता है। ओ, अच्छा, हर चीज का कुछ ना कुछ यूज है। डस्ट पार्टिकल नहीं आना चाहिए। बाहर हमने टैंकर अनलोडिंग का पॉइंट दिखाया, टैंकर अनलोडिंग के बाद आपको जो 60,000 के 3 सालों दिखाए थे वो ये है, वो ये है, उनका केवल मैनहोल आगे है। RMHT 1, RMHT 2, RMHT 1, 2, 3, इनका केवल मैनहोल आगे है, टैंक पीछे, टैंक पीछे। ये इंसुलेट है, घर पे जैसे थर्मस होती है, उसके अंदर आप ठंडा दूध डाल दिया तो ठंडा रहेगा, गर्म डाल दिया तो गर्म डाल दिया, ठीक है ठीक है। ये उसी तरह इंसुलेटेड इंसुलेटेड है, जो टेम्परेचर रहेगा मेंटेन रहेगा। ये हमारे सारे फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। ओके, किसी की ग्रीन लाइट जल रही है, किसी की वो जल रही है? ये जो ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब ये वाल हेल्दी है। ओके, लेकिन अभी ऑपरेटेड नहीं है। ओके, जो ऑरेंज कलर की होगी वो वाली, ये प्लांट ऑपरेटेड है। ये प्लांट, अच्छा, वो हेल्दी है बट इनएक्टिव है। हाँ, हेल्दी है ना, एक्टिव है। ये हेल्दी भी है और एक्टिव भी है, ठीक है। और रेड इज फ्लैग, रेड इज, ये हमको यहाँ से पता चलता है। अब जो वो दूध आता है वो चिलर के थ्रू हम देते हैं, 5 डिग्री पे हम यहाँ पे ले जाके कुछ स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप, दूध आया यहाँ पे आ गया, सेकंड स्टेप अनलोड किए, अनलोड करने के बाद यहाँ पे रॉ मिल्क स्टोर किए, स्टोर किया, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल को हम कोई स्टेप ही नहीं मान रहे, क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी है, नेसेसिटी है। अब वहाँ जो हमने दूध स्टोर किया, हाँ जी, ये हमारा कंट्रोल रूम है, सारा प्लांट यहाँ से ऑपरेट होता है। आगे पुराने ट्रेडिशनल प्लांटों में क्या होता था, ऑपरेटर होता था, हाँ, वाल मोड़ता था, हाँ, पंप चलाता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो जो आपने फुली ऑटोमेटिक बोला, उसका हाँ, ये मतलब था, जो करना है यहाँ से करना है, ठीक है। आइए बैठिए। ऐसे PCR वाली फीलिंग आ रही है। कहाँ से आए हैं? पहले हमने रिसेप्शन देखा, ये रिसेप्शन है, ये टैंक, ओ अच्छा, ये रिसेप्शन है, हाँ जी, ये अभी हमारा बंद है, अगर ये चलेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, पंप तो यहाँ पे आ गए। ये जो हमने आपको दिखाया था बाहर रिसेप्शन का, ठीक है, ये टैंकर का बना है, यहाँ पे टैंकर लग जाएगा, इसकी पाइप्स यहाँ लग जाएंगी, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ये जब आपको जैसे बताया कि क्वालिटी कंट्रोल जब तक ओके नहीं करेगा तब तक वो स्विच एनेबल नहीं होगा, नहीं होगा। ये पंप चलेगा यहाँ से चल के, जो अभी हमने चिलर देखा है, ये चिलर है, अच्छा, चिलर से अभी इसकी CIP चल रही है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, नहीं तो इसका 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है। अच्छा, अभी 5 डिग्री तक आना था ना, बिलो 5 डिग्री। अभी हमने जो टैंक देख के आए हैं, RMHT 1, 2, 3 देखा, 1, 2, 3, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड मिल्क यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये FCM रखा है, फुल क्रीम, ये इसकी मिल्क रखा है। लोगों के मन में सफाई आता है कि इतने बड़े बड़े टैंकों की सफाई कैसे होती है, जामे से तो नहीं हो सकती। सफाई के लिए ये हमारा CIP फुली ऑटोमेटिक CIP सिस्टम है। अच्छा, इसके लिए जो अप्रूव्ड है कास्टिक एसिड हॉट वाटर, ये इसके अंदर हम डाल के सफाई करते हैं, केमिकली सफाई करते हैं। ओके, ये भी ऑटोमेटिक रहता है? ये भी फुली ऑटोमेटिक। कितनी कंडक्टिविटी चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, कितनी देर चलना है, ये अपने आप एक बार स्टार्ट करके आप छोड़ दोगे, जब तक वो अचीव नहीं करेगा, नहीं करेगा तब तक, तब तक वो चलता चले, हर स्टेप पे एक एक इंटरलॉक है कि कहीं ह्यूमन एरर ना हो जाए। नाका लगा रखे हैं, नाके लगे वाला, नाके लगेगा, फीलिंग ही नाके वाली आ रही थी, PCR वाली। पर ये बहुत अच्छा, काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, मुझे काफी इलैबोरेट और अच्छा लगा। वो जो रॉ मिल्क है, हाँ जी, अब रॉ मिल्क को हम प्रोग्राम करते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? सपोज दैट हमारा स्टैंडर्ड मिल्क 50,000 लीटर दूध है, हाँ जी, हमने रॉ मिल्क 50,000 लीटर दूध लिया, हमने उसमें कमांड दी कि हमको 4.5% का फैट चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट प्लांट है जिसमें ऑटो स्टैंडोमेट है, दूध में चाहे जितनी फैट हो, हाँ जी, अगर 6% फैट है, हम यहाँ पे कमांड दे दिए हमको 1.5% चाहिए, इसमें 1.5% निकालनी है, बाकी आगे दे देंगे, बाकी आगे दे देंगे।
अच्छा 1% वाला दूध आगे भेज देना है, बाकी क्रीम निकाल दो। क्योंकि जो यहाँ से दूध आता है जो गाय है वो तो नहीं ऐसे निकाल ना, ना, तो ना, निकाल दी ना, 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 सब मशीनों में होता है वो गाय भात का काम हमको करना पड़ता है, करना पड़ता है। हमारे पास दो प्लांट है, एक 20,000 कैपेसिटी का, अच्छा एक ये हमारा प्लांट है 10,000 लीटर कैपेसिटी का। अच्छा, इसका मतलब एक घंटे में हम 30,000 लीटर दूध प्रोसेस कर सकते हैं। एक घंटे में 30,000 लीटर दूध। और ये मशीन कितना टाइम चलती है? 8 घंटे के बाद इसकी एक बार CIP करनी पड़ती है। 6 घंटे के बाद, जब भी 6 घंटे के बाद रूटीन में करते हैं, जब जो होती है तब भी हम कर लेते हैं। 15-16 घंटे तो एक दिन में चलती होगी। हाँ हाँ, अब दूध के हिसाब से ये 2.5 लाख लीटर का दूध है, इस समय हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 1.5-1.3 लाख लीटर दूध है, तो कम चलती है। जब 2.5 लाख लीटर दूध होता है बट नेचुरल ज़्यादा टाइम चलेगी। और ये सब आप देखते हो? ये सब बड़ा बोझ है आपके कंधों पे? नहीं नहीं नहीं, शरीर भी बड़ा है मेरा। नहीं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है वैसे। वो जो क्रीम निकली, हाँ जी, वो क्रीम निकलती है यहाँ पे आती है। अच्छा, उस क्रीम को हम प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, क्रीम बैलेंस टैंक। हाँ, अब वो क्रीम को हम फिर बटर बनाना है कि घी बनाना। अच्छा, है वो हम प्लानिंग कर लेते हैं, वो पुराने प्लान में। अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के काम आ गए बस। हाँ जी, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो गया वो फिर दूध स्टैंडर्ड मिल्क बन गया। वो जो हम 4 टैंक आपको दिखाए थे, उन टैंकों में जाएगा। उन टैंकों में गया वो, फाइनल वालों में जो गया वो टैंकों में जाएगा वो। ठीक है, और वहाँ से फिर वो पैकेजिंग निकल जाएगा। वेस्टफालिया का पैकेट है, ये जर्मनी का प्लांट है। एक एक मशीन की कीमत 1-1.5 करोड़ रुपए। दूर से ही देखेंगे। अब ये ऑटो डिस्प्लेज है, इसमें टाइमर सेट है, चलेगा अपने आप, ऑटो डिस्प्लेज होगा। दूध के अंदर जो बाहर से गंदगी आ रही है, आपके टाइमिंग फिक्स होंगे ना, जब जैसे दूध निकला उसी के कुछ टाइम में आपके टैंक। दूध हमारा फिक्स है कि 10 बजे तक हमारी कलेक्शन खत्म हो जाती है। 10 बजे तक सुबह कलेक्शन, वहाँ कलेक्शन सर 10 बजे खत्म हो जाती है। हमारे टैंकर 10 बजे तक पहुँच जाते हैं दूध लेके, यहाँ पे 12 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। 12 बजे तक आ जाते हैं, फिर ये अपना क्वालिटी कंट्रोल शुरू होता है। आपको पता ही है पशु दो टाइम दूध देता है, एक सुबह एक शाम। सुबह एक शाम जो सुबह दिया है वो अभी 12-1 बजे तक आ जाएगा, जो शाम को दिया है रात में 12 बजे तक आ जाएगा। हाँ, वो हमारी रॉ मिल्क की लेबोरेटरी थी। हाँ, ये जो रॉ मिल्क है सबसे पहले वहाँ पे टेस्ट होगा, देन उसके बाद आएगा। अच्छा, अब रॉ मिल्क का काम खत्म हो गया, रॉ मिल्क लेबोरेटरी में एक्सेप्ट हो गया, वो टैंकर खाली हो गया, अब उस लेबोरेटरी का काम खत्म। अब जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया, जो हमने प्रोसेस किया, ठीक से प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, मशीनरी है, मशीनरी एरर बहुत कम है, लेकिन भगवान कोई नहीं है, गलतियां सबसे हो सकती है। हाँ, उस गलती के चेक रखेंगे तो हम बचाव रहेगा हमारा। हाँ, उस गलती को चेक करने के लिए ये लेबोरेटरी हमारी स्टेबल। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे 3-4 तरीके के टेस्ट होते हैं। ओके, एक MBRT होती है, वहाँ पे रॉ मिल्क की MBRT होगी। हाँ जी, यहाँ पे फाइनल जो हमारा टैंक होता है, जो दूध तैयार हम किए हैं, उसकी लेबोरेटरी होती है। वो जो आप बता रहे थे कि 2 घंटे से 8 घंटे हुआ। हाँ, ये 2 घंटे से 8 घंटे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे होता सारा चीज लिखा है कि कौन सा है, ब्लू कलर है। ओके, ये जब खत्म, ये व्हाइट हो जाएगा तो समझिए इसका MBRT खत्म हो गई, टाइमिंग खत्म हो गई। ये टेस्टिंग हो गई, ये टेस्टिंग MBRT मैथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। अब इसकी जो MBRT है वो हमारी 7-8 घंटे पहुंच गई, 7-8 घंटे पहुंच गई। हमने वहाँ पे सेल्फ लाइफ ले रखी है कि नॉर्मल दूध पे हमारा टेम्परेचर दूध कितनी देर चलेगा। अच्छा, जस्ट पैकेट लिया है, उसको यहाँ पे जो ना बकरे की तरह टांग दिया है। हम ये देखना चाहते हैं कि बाय द वे कोई कस्टमर हमारा दूध लेके गया, हाँ जी, वो फ्रिज में नहीं डाल पाया, या कोई हमारा ऐसा कस्टमर ले गया जिसके पास फ्रिज नहीं है, उसको भी दूध पीने का अधिकार है। सबको है, अगर उसको दूध पीने का अधिकार है तो हम कम से कम ऐसा दूध दे सके जो 3-4-5 घंटे 6 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल सके। हाँ जी, वो टेस्टिंग यहाँ पे होती है। ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है, हम रिकमेंड यही करते हैं कि फर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसकी कोल्ड चैन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसका एक बार टेम्परेचर अगर राइज हो गया है तो 3-4 घंटे के बाद इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। कभी कभी मम्मी ऐसे ही करती है ना, घर में दूध आता है फ्रिज में रख देती है, फिर शाम को उसको बॉइल कर लेती है। हाँ, उसकी चेन मेंटेन है, चेन मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है जस्ट डबल होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 जस्ट डबल होता है। वो क्या कहते थे इसको, मैथ्स भी वीक है ना मेरी, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। मुझे खाला आता है, खाला दिखाला आता है, दूध पीला आता है और दूध दिखाना आता है। तीतर के आगे तीतर के दो पीछे तीतर वाला ही वैसे आपके घर में सब खुश रहते होगे ना, पूरे टाइम रौनक रहती होगी शायद। मेरे घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। ये फैट टेस्टिंग का हमारा ये टेक्निकल प्रोसीजर है हमारा, जो भी वहाँ पे तो FT1 लगा है, उसी तरह हमारी एक पुरानी मशीन है। उस समय कब आई थी 1 लाख की किसान में, ये 20 साल पहले 1 लाख की मशीन। दोनों 20 साल से हम 22 साल से बहुत पुराने, हम लोग 22 साल से। अच्छा, आप इसी
टेस्ट पे है? हाँ, इसी प्लांट पे है। बीच में आते जाते रहते आना जाना लगा रहता है। घर अपना है ये, घर अपना है ये, बीच में आना जाना। ये प्लांट भी स्टार्टिंग वाला प्लांट है ना? ये सबसे स्टार्टिंग का प्लांट है। ये सन मेरे ख्याल से 63 में ये डोनेट हुआ था, यहाँ पे प्लांट लगा था। तो तब से ये पुरानी बिल्डिंग हमारी वो है, ये हमने अभी नई बिल्डिंग बनाई है। ऐसे में आपने काफी इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे होंगे। जो जो जैसे जैसे आ रहा है, जो पब्लिक की डिमांड है, अब मार्केट के साथ अगर हमको लड़ना है टेक्नोलॉजी तो हमको लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, तभी अब मैं और रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना, पहले मैनुअल होता था, ऑटोमेटिक होता था। क्वालिटी हमको देनी पड़ेगी। धक्के से आप कोई प्रोडक्ट किसी को नहीं खिला। कब तक बेच लोगे? नहीं बेच सकते आप। नहीं बेच सकते। आपको हम एक दिन अपने पर्सनल लेवल पे दे सकते हैं, दो दिन पर्सनल लेवल पे दे सकते हैं, तीसरे दिन आप दुकान पे आना छोड़ दोगे अगर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वालिटी मिलेगी तो आपको उस दुकान पे नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान पे जाके वेरके का प्रोडक्ट मांगोगे। शॉप होती है कि आदमी कहता है मेरे को इसी ब्रांड की टी शर्ट पहननी है, यानी दूध के अंदर कितनी फैट परसेंट है, ये घर पर टेस्ट होता है। वो तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। ये ट्रेडिशनल, ये पहले जब काम होता था ऐसे होता था। रिलायबल है, मतलब डबल चेक्स होते रहते हैं। हाँ, में भी हो गया, मैनुअली भी हो गया, मल्टीपल चेक हो गया। जो हम टेस्टिंग करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं। अच्छा, कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे लैब्स में आते हैं ना, वो यही सब देखते रहते हैं। हमारे यहाँ चार तरीके के दूध हैं, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क, FCM और कॉम मिल्क। FCM इज फुल क्रीम मिल्क। FCM इज फुल क्रीम मिल्क, DTM मीन्स डबल टोन मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क का है। वो दो दूध हमारे आपको टैंको में दिखाया। अच्छा, वैसे मिश्रा जी एक बात बताओ, कौन सा वाला दूध बढ़िया रहता है? घर में पापा बोलते हैं फुल क्रीम पीना चाहिए। नहीं, वो सेहत के हिसाब से, अब मेरे जैसे आदमी अगर फुल क्रीम दूध पिएगा तो फट जाएगा वो। जो मैं नहीं बोला, मिश्रा जी ने खुद बोला। तो वो सेहत के हिसाब से। अच्छा, बच्चों के लिए फुल क्रीम? बच्चों के लिए फुल क्रीम है। अब हम लोग जो 40-45 प्लस हो गए हैं उनको लो तो लो फैट दूध ही, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है लो फैट दूध। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फैट परसेंटेज। अब ये कि आपको कितनी फैट की जरूरत है, ग्रोइंग एज के बच्चे उनको फैट की ज्यादा जरूरत है। हमको तो उसमें जो बेसिकली न्यूट्रंट है, जो जिनको SNF पार्ट बोलते हैं, हमको चाहिए। हमको लैक्टोज चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, हमको मिनरल्स चाहिए, हमको फैट उतनी ज्यादा नहीं चाहिए। रिलेशन होता है फैट और SNF पार्ट? हाँ, इसमें दो चीज होती है बेसिकली। हाँ, दूध में दो ही चीज होती है। अच्छा, फैट और SNF। अच्छा, बाकी सारा नेचुरल पानी होता है। नहीं, अगर जैसे सपोज दूध में अगर 2% फैट है। हाँ, तो उसी का कोरिलेशन में उतना। हाँ, वो SNF उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसका जो फार्मूला होता है वो SNF का होता है, फैट और SNF को मिला के इसका टीयत बनाया जाता है। अच्छा, फैट जितनी निकलेगी उसकी SNF उतनी ऊपर चली जाएगी थोड़ी। ओके, मेन आपका SNF दूध का इम्पोर्टेंट होता है? दोनों चीज इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी के हिसाब से। पैकेज और इसमें विटामिन ए एंड जी 2 प्रीमिक्स है। ठीक है, अब आपको ये जादू दिखाते हैं। जादू दिखाओ। दूध वहाँ गया, दूध वहाँ गया। पूरे प्लांट में इस समय 2 लाख से ऊपर लीटर दूध है, वो पाइपों से आ रहा है, लेकिन कहीं आपको दूध नहीं दिखाई पड़ेगा। दूध नहीं दिखाई पड़ेगा, दूध आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, वो सामने, अब वो सामने दूध आ रहा है। इसकी इंप्योरिटीज चेक होके, इस पे बथेरे सारे टेस्ट होके, ये फाइनल शॉट देखो। अब ये पैकेट में आया कैसे दूध? हाँ, वो सामने देखा मैंने। कैसे आया? इसमें कोई पैकेट लगाया? नहीं, कोई पैकेट नहीं लगाया। वो हमारे रोल रखे हैं बड़े बड़े। अच्छा, वो रे। हाँ, वो रोल हम लगाते हैं पीछे, आइए आपको दिखाते हैं। मतलब आज जो है अपनी फैक्ट्री का खुद स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये रोल लगा। अच्छा, ये रोल गया आगे। इसी के अंदर नोजल से दूध, क्योंकि एयर कंटामिनेशन नहीं करनी है। हाँ, ये आया, ये कटिंग हुआ, ये हमारी 1.5 लीटर की पैकिंग तैयार होगी। अब आप ये कहोगे यार पैकेट कहीं गिर जाए, फट जाए। हाँ जी, ये पैकेज इसको नाक के सीट पे लिए, जस्ट ड्रॉप इट। वो ये नहीं पड़ेगा। वो ना YouTube वगैरह पे वीडियो आती है, लोग फोन पकड़ते गिराते हैं। अच्छा, ये फोन फैक्ट्री का ड्रॉप टेस्ट है। ये ड्रॉप टेस्ट। ये ड्रॉप टेस्ट है। इन केस अगर कस्टमर के हाथ से ले जाते समय थैली गिर गई, तो उसका 25 रुपए का नुकसान ना हो जाए। इसको लीजिए, नाक के सीट पे पकड़िए और इसमें छोड़ दीजिए। पक्का? हाँ हाँ, छोड़ दीजिए। बच गया। वाह, कांच की बोतल में इसीलिए बंद हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में कांच टूट जाती थी। हाँ तो सर। हाँ जी, ये जा कहाँ रहा है? ये मैं तो इसको घंटी लेके जा रहा हूँ। नहीं, बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी वो पीछे कहीं जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। अच्छा, ये जाके डेरियों में जा रहे हैं? ये आगे कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में जा रहा है ये। वहाँ लेके चले? हाँ, चलना है, चलते हैं। ये मैं घर लेके नहीं जा रहा, ना ना ना, वापस ही रख रहा था। फर्स्ट डे डिटर्जेंट, फाइनल डे ट्रे रखी, ये ट्रे अपने आप आगे चलेगी। जल्दी ट्रे आई, ये भी सैनिटाइज हो गई।
गर्मियों में आप शिमला कुल्लू मनाली गए नहीं गए? आइए हाँ। आपको अपने प्लांट के शिमला कुल्लू मनाली दिखा दिला। आ जाओ जी, ये हमारा प्लांट का शिमला है। और स्वेटर स्वेटर ले आते पहले ही पता होता था तो अब आप मजा लीजिए शिमला कुल्लू मनाली का। अभी तापमान हो रहा बाहर 30 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा? बिलो 5 डिग्री। अब जो दूध हम पैक कर रहे थे आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, वो चैन के थ्रू यहाँ पे आता है। अच्छा, यहाँ पे वो सारे पैकेट वो जो अच्छा वो जो टनल दिखा रहे थे टनल दिखा रहे थे वो इधर से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे लाके हमने स्टैक कर लिया। दो टाइम दूध आता है, दो टाइम सप्लाई जाता है। दो सर, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तब तक वो दूध हम पैक करके यहाँ पे रखते हैं। हाँ, बिलो 5 डिग्री से नीचे। ठीक है, और कोई बात तो नहीं यहाँ पे करनी? बस बाहर चलो, बहुत ठंडा है। अच्छा, ये अभी शाम के सामान के लिए गाड़ियाँ जा रही है, शाम तक पहुँच जाएगी, शाम तक पहुँच जाएगी। ये हमारा जो पीओ ब्रांड फ्लेवर्ड मिल्क का ब्रांड नेम है पीओ, ये उसका सेक्शन है। फुली ऑटोमेटिक मशीन लगी है, आज प्रोडक्शन बंद है, आज इसके मेंटेनेंस चल रही है, जस्ट पैकिंग चालू है। बोतल रखी जाएगी, अपने आप भरी जाएगी, कैप वो लगा है, कैप अपने आप आएगा, अपने आप सील होके आ जाएगा ये। ठीक है, अभी सांस लेने का मौका मिलना चाहिए मशीन को। अभी ये नॉर्मल दूध है। अच्छा, जब यहाँ पे फिलिंग करते हैं वो नॉर्मल दूध है, नॉर्मल दूध इन द मीन्स जो हमने पैकेट पे देखा। हाँ, वो चार जिसकी सेल्फ लाइफ 1 दिन 2 दिन है। ठीक है, अब इसकी हम सेल्फ लाइफ देते हैं 120 दिन से 120 डेज। ओके, कैसे देते हैं? हाँ, लोगों के दिमाग में है कि कोई हम केमिकल डालते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, डेयरी इंडस्ट्री दो ही चीज़ पे चलती है, टाइम एंड टेम्परेचर। अच्छा, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टेम्परेचर देना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। पहले हमारे ग्लास के बोतल में दूध आता था, अब यहाँ पे हमने नया लॉन्च किया है प्लास्टिक की बोतल में, क्योंकि जो ग्लास की बोतल थी कोई कैरी करता था, कोई दूर जाता था। अब जैसे हमारा यह गुवाहाटी भी जा रहा है, पश्चिम बंगाल भी जा रहा है, अब कंट्री मार्केट में भी जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में वो टूट जाती थी। जब से ये लॉन्च किया है तब से ये इसकी ब्रेकेज जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है, ऑब्वियसली इस करके इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब हम फिलिंग करने के बाद ये रिट्रॉट है, ये रिट्रॉट के अंदर ले आते हैं, इसके अंदर हम टेम्परेचर देते हैं 180 डिग्री। अच्छा, 118 डिग्री फॉर 18 मिनट, 18 मिनट के लिए इसको 118 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद इसको निकाल लेते हैं कि सेल्फ लाइफ 120 दिन हम आपको बोलते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए, 120 दिन तक खराब नहीं होगा बिना किसी केमिकल के। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, दैट्स इट। तो बैक्टीरिया है वो ऑलमोस्ट 99.9% बैक्टीरिया इसके। और ये तो जो सुपरमार्केट्स में पड़ा रहता है ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहता है, इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं। इसको फ्रीज कर, इसको आप पीने के लिए फ्रीज करो तो तब मजा आएगा। हाँ, रहेगा पीने के लिए फ्रीज करो आप। हाँ, इसको रूम टेम्परेचर पे रखो, आप धूप में ना रखो, रूम टेम्परेचर पे रखो, 120 डेज की गारंटी हम देते हैं। ये भी चंगा जी, कौन सा इलायची? ओ इलायची है ये। ओहो, टनल पे आया। हाँ जी, वहाँ पे एक बार हम प्री चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं गलती से कोई लीकेज हो गई है, लीकेज निकलती नहीं है, फिर भी हम एक बार प्री चेक कर लेते हैं। प्री चेक कर लेते हैं। प्री चेक करने के बाद ये अपने आप यहाँ पे आया, प्री हो चेक होने के बाद टनल पे आया, कौन सा फ्लेवर है उस फ्लेवर की रैपिंग हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये रैपिंग हमने चढ़ा दिया, ये सेंसर लगे हैं। हाँ, जैसे सेंस करेगा वो स्लीप कट के अपने आप आ जाएगी। ये हॉट एयर टनल है, हॉट एयर टनल, वो जैसे मिठाइयाँ पैक नहीं करते, बस फंडा सारा वही है, सारा फंडा वही है आपका, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है। अब किस डेट को बना है, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी एमआरपी क्या है? मेरे पास भी नहीं है इसका वो। हाँ, अच्छा ये है मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है, मैं आपसे आगे हूँ। हाँ, हमारी मशीन है, इसके अंदर हमने फीड कर दिया, फीड कर दिया ये है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, ये सेंस होगा, ये आ गया, वो जादू वो आ गया। ये एक्चुअली क्या ना, मतलब आप लोगों के लिए डेली वाली चीज है, बट बंदा देखता ना तो उसको लगता है कितना सही तरीके से काम हो रहा है। अभी आ गया, आज पता है वो वाली फीलिंग आ रही है जब बच्चे होते थे ना स्कूल वाले फैक्ट्री टूर कराते थे। हाँ, हम भी अभी बच्चे ही हैं। हाँ, भगवान के बच्चे, सभी भगवान के भोले बच्चे हैं। सर, हरमिंदर सिंह संधू, जनरल मैनेजर वेरका अमृतसर डेयरी। बेसिकली जो वेरका है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 3-tier ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ 3-tier ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੇਂ ਚੀਜ਼ੇ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹਮ ਲੋਗ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ 1 ਟਨ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਖੀਰ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਗਭਗ 18-20 ਟਨ ਕਰਡ ਬਣਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਦੁੱਧ ਕੀ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਊਚ ਮਿਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ये डेली का बता रहे हैं? डेली का। डेली का दूध कितना बोला आपने? 1 लाख लीटर।
1,00,000 लीटर। बचपन से मैथ्स वीक रही है मेरी, पर काफी बड़ा नंबर लग रहा है ये तो। ये अच्छा, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लांट है। नहीं, इससे बड़े प्लांट भी है हमारे। अच्छा, कितने प्लांट्स है पूरे पंजाब में टोटल? पंजाब में वेरका के जो है इस टाइम 9 मिल्क प्लांट्स हैं। अच्छा, 2 कैटल फीड प्लांट है। अच्छा, काफी अच्छे से हमें प्रोसेस समझ आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ आयो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला। गोल्स होते हैं ना कि मतलब वेर का फैक्ट्री जहाँ पे दूध बन रहा है वहाँ पे इलायची दूध पिए तो अलग ही ठाट है। मेरे को अभी अमृतसर आके पता चला कि वेर का कोई एरिया है। बचपन से तो हम लोग वेर का ब्रांड देखते थे, अभी पता चला कि हम लोग वेर का एरिया में बैठे हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है फर्स्ट प्लांट है नॉर्दर्न इंडिया का, सबसे पहले इंडिया का सेकंड प्लांट है। वेर का ब्रांड कब स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली 59 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा वेर का गाँव में। उसके अच्छा। कारण इसका ब्रांड नेम भी जो है वो वेरका रखा गया। अच्छा, जगह से नाम आया वेरका। नॉर्थ इंडिया का ये फर्स्ट प्लांट था। अच्छा, तो ये 63 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा। 59 में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, 63 में स्टार्ट हुआ है। तो उसके कारण ये वेरका का फर्स्ट प्लांट होने के कारण, वेरका गांव में स्टार्ट होने के कारण इसका ब्रांड नेम वेरका रखा गया। तो उसके बाद जितने भी प्लांट्स बाकी लगे उसमें जो है ब्रांड नेम वेरका, लोगों ने काफी इसको पसंद किया तो उसके कारण ये वेरका ब्रांड जो है आज देश विदेश में मशहूर है, बहुत मशहूर। ये चीज मेरे को नहीं पता थी, मतलब 5 रुपए का लस्सी का ग्लास है सर। 5 रुपए का लस्सी है 200 ml। टेस्ट तो मैं तो पीते हैं रे, हम लोग तो रिवाजी तौर पे पी रहे हैं बस अभी तो। ये तो फैक्ट्री में आके थोड़ा नशेबाजी करेंगे दोस्तों के सामने। टेस्ट तो इसका वैसे ही है जैसे पहले होता था। हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें अभी यहाँ पे रखी हुई है, जैसे इनकी खीर है और मिल्क केक है। इसकी फैक्ट्री आई थिंक अलग जगह पे। अच्छा, यहीं पे सेक्शंस डिवाइडेड है ना, तो हम लोगों ने आपको मिल्क का दिखाया, मिल्क पनीर, जैसे हम लोग अभी सर से बात भी कर रहे थे, मिल्क पनीर, खीर, मिल्क केक, दही, आइसक्रीम्स की वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज है। वो तो सब मिल्क ब्रांड, जितने मिल्क से चीजें निकल सकती है वो सब बनी चुकी है। एंड बस मेन फोकस तो हम लोगों का ये था कि 5 रुपीज के ग्लास में आपको इतनी क्वांटिटी लस्सी की मिलती है। एंड उसके बाद भी जो आपने जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड कंज्यूमर ऑल्सो हैप्पी इन टर्म्स ऑफ रैशनैलिटी। इससे बढ़िया बात क्या है। मैंने आज सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट कर लिए, मेरा अपना मन ना इलायची भटका हुआ आपको सर। हमने लस्सी भी, लस्सी का मजा आया, मिल्क केक तो खाते रहते हैं, पर एक जिसे कहते हैं ना एक ब्रांड के साथ इमोशन जुड़ जाता है, वो हमारे घर वालों ने ये इमोशन जुड़ाया, वो इलायची की कांच की बोतलों की अलग यादें हैं। हाँ नहीं, ये सारी चीजें जरूरी है स्पिल प्रूफ डिजाइन बनाने के लिए, सारा देखा आज हमने फैक्ट्री में। अब थोड़ी हम भी टॉर मार देंगे कि हम लोग फैक्ट्री में आके पिए इलायची वाला दूध। अब थोड़ा माहौल ऐसा बन रहा है कि थोड़ा कैमरा बंद किया जाए, थोड़ी गप्पे शप्पे मारी जाए। इलायची दूध का ना इसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब गप्पे गुप्पे होने वाली है, थोड़ा मिश्रा जी हमारी खिंचाई करेंगे, थोड़ी हम सहलेंगे। चलो जी, आपसे बात करेंगे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और बस हाँ अपना दूध का फेवरेट फ्लेवर बताइएगा। यहाँ पे सब लोग ना थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स देते हैं ना, तो कोई बोलेगा नहीं अपने मुंह से कौन सा फेवरेट है। मैं फ्लेवर कोई बनाते नहीं तो मैं इलायची अपना फेवरेट बताता हूँ, आप अपना बताइएगा। आपको इलायची या चॉकलेट जो मिल जाए। हाँ, ये मेरा अभी इस फैक्ट्री के अंदर ही दूसरा ग्लास है। और उम्मीद करते हैं आपको अमृतसर सीरीज पसंद आई हो। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी एवरी थर्सडे अलवर सीरीज। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।